हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज तो जनाब हम सब बड़े सुपर एक्साइटेड हैं और पी एस एल सिक्स के जब रिमेनिंग मैचेस से पहले जो पहला फेज हुआ था तो सबसे तो बड़े जो इसमें स्टार बन के उभरे वो थे शाहनवाज धानी मुल्तान सुल्तान सिंह का ताल्लुक पैदा तो लड़काना में हुए लेकिन आजकल मुल्तान वालों की दिल की धड़कन बने हुए फिर पाकिस्तानी फैंस की दिल की धड़कन बने शाहनवाज थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर द इंटरव्यूज और पाकिस्तान सुपर लीग इज हैिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स और ब्रेक आए लेकिन सर जी आपने तो पहले ही मैदान मार लिया पाकिस्तान टीम में आ गए सो क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैच के लिए कैसी तैयारी है अब तक सेशन जैसे हुए कैसे अब तक आपका रिदम बना है गर्मी की बड़ी बात हो रही थी क्या कहेंगे जी बिमिल गफर भाई नो डाउट गर्मी बहुत मतलब यहाँ पे थोड़ा है लेकिन हमको एडजस्ट करने में हमें मतलब काफी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है अपनी वहाँ पे हमने मैचेस प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं टीम के साथ ऑलमोस्ट थोड़ा हम एडजस्ट हो चुके हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल एथलीट है हम हमको मतलब ये एक्सक्यूज ये जो मतलब है तो वो अभी इस लेवल में हमें को नहीं देने चाहिए और नो no डाउट अलहमदुल्ला पाक ने मुझे फर्स्ट स्टेज में पीएसएल का जो सेशन हुआ कराची में अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे परफॉर्म करवाया और अलमदुल्ला मैं सेकंड नंबर पे अभी हूँ अभी उसके बाद काफी गैप हुआ कोविड की वजह से वो थोड़ा अनफॉर्चूनेटली पोस्टपोन हो गया था अभी अबू धाबी में हो रहा है और टू एक्साइटेड हैं और पार्टनर सभी प्लेयर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट यार तैयारियां हो चुकी हैं सब टीमों की और कल वो मेला सजने वाला है दोबारा और बिल्कुल मेरे भी बैंड में यही है गफरवाई कि मैंने वहां पे जो मैंने छोड़ा था वो चीज वो मुझे अभी वहां से कंटिन्यू करनी है और मेरा ये है कि मैं शाहनवाज आपका लेकिन हाल ही अरसे में आप हैं जाए महमूद हैं और कुछ और क्रिकेटर्स आना शुरू हुए तो इसकी कितनी खुशी है शाहनवाज आपको खुद भी आपके अंदर से से तो इतने मैसेज आते हैं मेरे पास भी वो आपके बारे में जायद के बारे में बहुत खुश होते हैं सो आपकी टीम में आने से मुल्तान सुल्तान ने आपने जो एक सीजन खेला उससे जो आपको इतनी शोहरत मिली इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आपके ख्याल में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं यूथ हैं जो क्रिकेट को आगे लाना चाहते हैं और जी गफार भाई आप देखें सिंध माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सूबा है और वहां पे बहुत ही क्रिकेटर्स हैं बहुत ही माशाल्लाह टैलेंट है, है वहां पे अगर आप जाएंगे रिमोट एरियाज में आपको बहुत टैलेंट मिलेगा वहां पे और जी जाहिद भाई ये एक एग्जाम्पल बन गया उन यंगस्टर के लिए जब जाहिद भाई पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डेब्यू हो चुका है उनका अलहमद और बिल्कुल और जाहेद भाई में रिसेंटली जो सीरीज था जंबावे में वो हम टीम के स्क्वाड में साथ थे ये हमारे उनके लिए भी प्राउडफुल मोमेंट था और उनके लिए यंग जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन था और मैसेज था कि नो डाउट जो परफॉर्म करेगा जो मतलब औ, अपने सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगा सबसे ज्यादा तो उसको मौका जरूर मिलेगा तो उनका जोश जज्बा अभी बढ़ने लगा है जो पेरेंट्स हैं उनके mostly, पेरेंट्स का बहुत ही मतलब होता है कि अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा पढ़ने में उनको मतलब तोजा या मतलब कारोबार में या और बिजनेस वगैरह में और कोई चीजों में नहीं लेकिन उसके बाद अलहमदुल्ला अभी सब पेरेंट्स भी एग्री हो गए की माशा हमारे सिंध में बहुत टैलेंट है और अपने बच्चों को परमिशन दे रहे हैं दिल के, दिल के से कि आप जाएं और आप अपना टैलेंट शो करें जैसे अपना वो लोहा मनवाया है नो no डाउट ये हमारे लिए अभी वो मतलब एक जो फिनिश है वो नहीं है अभी इंशाल्लाह हमें मतलब ज्यादा खे, लंबा खेलना है और ये जो यंगेस्टर है उनको भी आएंगे इनशाला जरूर आएंगे और वो भी अपना टैलेंट शो करेंगे और हमारे सवाल करूंगा एंडी फ्लावर आपके साथ इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो उनके साथ आप खेल रहे हैं आ, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मैं पहली तब आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ कुछ अपने बारे में शाहनवाज जरूर बताइएगा आपकी फैमिली में आपके वालिद क्या करते थे या अभी जो आपके बाकी बहन भाई हैं क्रिकेट में आपकी इंस्पिरेशन कौन बना चुके लाडकाना या जैसे आपने ज़ाहिद महमूद की बात की बडे से बाद हमें यहाँ से क्रिकेटर मिले तो आपके देन में पहली मर्तबा कैसा आया फिर वालिद साहब ने कितना सपोर्ट किया और कैसे हालात रहे जी, जी गफर भाई देखें रिमोट एरियाज में यही होता है कि और वहाँ पे क्रिकेट हार्ड बॉल के हवाले से तो वो फैसिलिटियाँ भी नहीं होती वहाँ पे मतलब हार्ड बॉल का तो सेंस न, कम होता है मोस्टली आप देखते हैं तो क्योंकि हार्ड बॉल क्रिकेट के लिए आपको टाइम की भी जरूरत होती है उसके साथ आपको फैसिलिटियाँ भी जरूरत होती है तभी आप जाप के वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल गफार भाई मे भी लाड़काना शहर के गाँव है हमारा दानियों से ही हमारे अपने वहां पे खेती बाड़ी है चावल और गंदम और हमारे अमरूद के भी बाग हैं और बाबा के साथ मतलब बचपन से लेके वो खेती बाड़ी करते रहते थे और मैं टेबॉल वहाँ पे गांव में अपना हमारा टीम भी था दान इलेवन के नाम से और वो खेला करते थे बाबा मेरे वहाँ पे टेबॉल खेलने तक मतलब क्योंकि वो कह रहे थे आप काम भी कर रहे हो उसके बाद आप भले इंटरटेनमेंट के लिए ये खेलो लेकिन जब मैंने उनसे परमिशन ली कि हार्ड बॉल में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है मुझे काफी दोस्तों ने मतलब रिक्वेस्ट की है कि आप जाओ आप हार्ड बॉल खेलो आपको माशा और आप में टैलेंट है और आप अपना टैलेंट शो करें तो उसमें बाबा थोड़ा मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ किया वो थोड़ा मतलब उन्होंने कहा है कि नहीं आप मतलब थोड़ा उन्होंने कहा है कि इस इतना नहीं इस नहीं हो सकता कि आप बहुत टाइम वहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे काम ये बहुत है तो इसलिए वो थोड़े मतलब मुझे रिफ्यूज करते थे बॉल के हवाले से और मैं बस गांव से अपने टेबल वगैरह वो गफर में कंटिन्यू करता कंटिन्यू करता आया कंटिन्यू करता आया और बाबा का जब इंतकाल हो गया वहाँ के बाद फिर मेरा वो पेशन मेरे में था क्रिकेट के लिए और बहुत सी ऐसी स्ट्रगल थी जिसको मैंने बियर भी, किया वो मैंने सफर किया वहाँ पे और जो भी मेरी मेहनत थी और कोशिशों थी उसके बदौलत ही आज मैं इस स्टेज पे पर पहुंचाऊँ और वहाँ पे मेरे स्पेशली अम्मी जान ने बाबा के वफात के बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने परमिशन मुझे दी कि नहीं आप में सिर्फ इतना जो जोश जज्बा है तो आप जाएं आप अपना मतलब जो भी मतलब है आप, आप जाके वो मनवाए अपना लोहा तो बिल्कुल उसमें मेरे बड़े भाई हैं तो उन्होंने भी काफी मुझे सपोर्ट किया अलहमदुल्ला और उनके सबके दो इस, इस स्टेज पे है और नो डाउट गफार भाई यहाँ पे आप देखें कि इंटरनेशनल कोचेज हैं वो मतलब उनका एक्सपीरियंस आईपीएल का एक्सपीरियंस आप देखें अजहर भाई वहाँ पे हैं है मुश्ताक मुझ, मुझ, भाई वहां पे हैं और सर इस, एंडी फ्लावर वहाँ पे हैं और अभी अब्दुल रहमान भाई आए हैं माशाल्लाह बहुत ही वहाँ पे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स हैं और उनसे उन काफी सीखने को मिल रहा है क्योंकि जब वो फॉर्नर आपके कोच होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्लेयर्स का तो नो डाउट बहुत अल्हदुल्ला सी, सीख भी रहे हैं अभी अभी हम सी, सीखने के मरल में, में बिल्कुल और इनशाला अभी मेरा नाम भी आया वेस्ट इंडीज आ, के के लिए लिए टेस्ट टीम हैल का टॉप विकेट टेकर और आगे जो भी मुझे मतलब मैचेस मिलेंगे अपने पाकिस्तान का ऐसे नाम रोशन करूँ ठीक है फार भाई ठीक है धानी भाई यही तौर पर अभी जो पी के अंदर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं इंटरनेशनली भी आंद्रे रसल हैं कौनम मुन्ो हैं इसके साथ साथ हैं पाकिस्तान में तो अभी बाबर आजम हैं और फिर आपकी टीम में जरूर रिजवान के खिलाफ तो बॉलिंग नहीं कर पाई क्योंकि वो तो आपके कप्तान है बट वो बहुत बड़ी एक विकेट होते है अगर किसी दूसरी टीम में होते तो किन बैट्समैनों को धानी सोच रहे हैं वो होता ना फास्ट बॉलर का मुझे पता है रात में भी आप लोग सोच रहे होते हैं कि इसको यहाँ आउट करूंगा ऐसे गेंद करूंगा या ऐसे इसको मैं आउट कर सकता हूँ तो किस बैट्समैन को आउट करने के बारे में अभी सोच रहे हैं कि अगर मौका मिले तो शाहनवाज धानी अब तो पाकिस्तान टीम में भी नाम आ गया है तो अब तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है तो यार ये विकेट मुझे लेनी ही लेनी है जी गफार भाई बिल्कुल मैंने जो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था पी का कराची वहाँ पे मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था लेजेंड कैप्टन बाबर भाई तो मैंने कहा मैं बाबर आजम वो विकेट मेरे लिए ड्रीम विकेट है और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो मैच हुआ था कराची किंग्स के अगेंस्ट मैंने उनको आउट नहीं किया और नो डाउट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हार्ड एटर और डेंजरस बहुत से ऐसे प्लेयर्स को आउट किया है जैसे अः रथरफोर्ड हो गए जो क्लारक हो गए वहां पे और शर्जील खान हो गए हमारे पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर तो मतलब काफी डेंजरस प्लेयर्स को भी आउट किया है लेकिन एक एम ये है कि मैं बाबर भाई को आउट करूं मेरा ड्रीम विकेट वही है और नो डाउट आपने जब बात की के, फास्ट बॉलर रात सोचते हैं नो डाउट ऐसे ही है बिल्कुल क्योंकि इतने एक्साइटेड होते हैं कि कल हमारा मैच है वो भी ऐसे लेजेंड्स प्लेयर के सामने वो बहुत ही डेंजरस है और जब आप मतलब फर्स्ट टाइम आप खेल रहे हैं मतलब फर्स्ट पहला सीजन है तो और भी चीजें ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं तो बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला मैच भी है और हमारा देखें देखे कराची के अगेंस्ट ही है नो डाउट इनशाला पूरी तैयारी है और अल्लाह जरूर परफॉर्म करेगा इनशा आखिरी आख, सवाल आपसे अदानी धानी बहुत सारे लोग तो आपको क्रिकेट के हवाले से जानते हैं दो चीज छोटी छोटी चीजें बताइएगा एक तो आपकी सेलिब्रेशन भी लोग उस पर बड़े बड़ी बात करते हैं सेलिब्रेशन के पीछे क्या कहानी है और आजकल तो नई नई सेलिब्रेशन आ रही है बिल्कुल तो इसकी थोड़ी सी बताइएगा कहानी के ये कैसे आपके देने में आया दूसरा शाहनबाज धानी कुछ अपने बारे में बताएं कि भाई अ फारे वक्त में क्या करते हैं शाहनवाज धानी के और शौक क्या हैं और कुछ फुल फिल्में म्यूजिक वगैरह भी देखते हैं थोड़ा सा इस बारे में आखिर में आपके फैन थोड़ा सा आपकी ذاتی जिंदगी के बारे में अगर आप परमिशन दें तो आप जरूर बताएं जानना चाहेंगे जी गफर भाई क्यों नहीं बिल्कुल गफर भाई इसमें ये जो हमारा सेलिब्रेशन का था ये मैंने एक्चुअली कार्लोस राथवेट उनसे मतलब मैंने बात की थी क्योंकि वो आपको पता है वेस्ट इंडियन क्रिकेट वो एंजॉय करते रहते हैं सेलिब्रेशन में और अपनी क्रिकेट के वजह से और दुनिया में मशहूर है तो बिल्कुल मैंने उनसे वो मतलब बात शेयर की थी उन्होंने कहा नहीं यू विल दानी गेट मोर मोर फन इन ग्राउंड तो बहुत मतलब उनसे सीखने को भी मिला और सेलिब्रेशन जी नो no डाउट पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेशन मेरे मतलब सब मतलब जो भी क्रिकेट के लवर्स हैं सब ने उसको लाइक किया और बिल्कुल वो जब भी अभी मतलब कोई भी पिक्चर या किसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल अपने सेलिब्रेशन के अंदाज से कहते हैं कि आपका सेलिब्रेशन हम बहुत इसको लाइक करते हैं उन सबका मैं शुक्र गुजार हूँ अगेन जो मेरे लिए प्रे करते हैं और स्पेशली वो पूरा पाकिस्तान का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया गफार